ये जिगरी भजनों का रागारंग प्रोग्राम गांव दाहिना में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार सिम सिंह शोर अवनी ढोलक पर संगति कर रहे भाई गौरव भोदार मोरली से, पैर पर झंकार दे रहे भाई भरत राजस्थानी धनुधर से, जिसके गायक कलाकार हैं भाई शिव सिंह सोरावली, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनूधर से, आइए ख्याल खा जय श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह सोरावली के हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार, राम राम साहब। और आइए, कवि लिख रहा है भैया गौरव, क्या बता दिया, लिखा जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, गर भाव से मुझको भजे तो भव से पीड़ा हार है। सब भाव की बात हुआ करती है। और आइए, इस इंसान के लिए कवि चेतावनी दे रहा है भैया गौरव, दो लाइनों में कैसे क्या लिखा, और ले प्राणी तेरी, और ले प्राणी तेरी भी तीर जाए उमरिया। लेकिन लिखा कैसे भैया, लेकिन बेटा लिखा जब आवे तेरा तेरी बुढ़ापो, देखा तेरी बुढ़ापो ये झुक जाए, ये झुक जाए तेरी कमरिया लाला तेरी। ध्यान को लगा दें, एक समय का जिक्र है, आप जैसे महान पुरुष बैठे हुए हैं, ऐसे ही बंसी वाले का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर मुरली वाले के चरणों को दबा रही है सतभामा, और चरण दबाते समय मुरली वाले ने एक नजर सतभामा की तरफ डाल दी, और सतभामा को देख करके हंस जाते। सतभामा को बड़ा अचंबा हुआ, कहा प्रभु या तो मेरे भोजन में कमी रह गई, या फिर
मेरे श्रृंगार में कमी रह गई। आप हंसे, हंसने का कारण अवश्य होगा। बंसी वाले ने कहा, ए सतभामा, मेरा हंसने का कोई कारण नहीं है, और जब तू ज्यादा जिद पकड़ रही है ना, तो मेरा हंसने का कारण सुनना चाहती है? हाँ तो सुनिए। अब से पहले गया त्रेता युग, और त्रेता युग में तुमसे सुंदर, तुमसे अधिक मुझे प्रिय थी सीता। जब त्रेता युग में मैं राम था, तो मेरी अर्धांगिनी थी सीता। जब सीता का नाम सुना, एकदम सतभामा खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु सीता मुझसे ज्यादा पतिव्रता कदापि नहीं हो सकता। कन्हैया, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार मुझे सीता के दर्शन जरूर कराना। मैं देखना तो चाहती हूँ कि वो सीता है कैसी। लिखा कि जब से रचदे सृष्टि विधाता, एक अटल सत बड़ भारी है, और एक नार को देख खुशी भई कबउ ना दूजी भारी है। कि सूरत और श्रृंगार नार को खुद ही लग रहे हो प्यारो, और बाबा फिर मुस्काए गए हो बंसी। बंसी वाले बात को कहकर हंस गए, लेकिन सतभामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। और बेटा गौरव रिश्मे आकर के बंसी वाले से कठो वचन कह जाती है, कहती है, प्रभु अगर आप वास्तविक तीनों लोक के स्वामी हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कन्हैया कि एक बार मुझे सीता के दर्शन जरूर कराना। मैं देखना तो चाहती हूँ सीता कैसी है। तो आज अपने पति कन्हैया से क्या कह रही, क्या लिखा भाई? ऐसे बेटा गौरव, हर रस में भर गए नीन के बोली, और पीन श्याम की प्यारी, और मोते करो मिलान के देखूं कैसी जनक दुलारी। मेरा निवेदन है, और बेटा गौरव चिकड़ी के माध्यम से ख्याल खा बेटा, और क्या कहा सतभामा ने, हेरे सुंदर सुगड़ी सुहामिनी, और सतभामा मेरो नाम, हेरे करो बड़ाई मेरा और रूप की यहाँ।
और कहा सीता को लेकिन एक बात है प्रभु, वह बात है क्यों छुपा रही, कौन सी है? सुनिए क्या कह रहा है गरुण। कैसे बेटा गौरव? जीवन
जीवन मरण में लेना जीवन दान में लेना बच्चों को आदर्श पिता और मां तो मिले ना पैसा से बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसा से और कहा मिलो पैसा थे रूप रंग अच्छी भाषा भाषा अगर पैसा के रूप रंग मिल जाए ना दादाजी तो दुनिया खरीद के धल ले और ये 100 रुपए का पुरस्कार गुरुजी जवाहर मां साहब हमारे लिए दे रहे बार बार धन्यवाद रूप रंग अच्छी भाषा और जा तो मिले ना पैसा से सुगर सलोनी पति प्रता सी नार मिले ना पैसा से जीवन मरण मिलेना जीवन दान मिलेना पैसा से ये मिनट रह गई साहब शिव सिंह जी आपकी 5 और इनके बाद में विमलेश जी नंगला कल्याण तैयार रहे आगामी कलाकार तैयार रहे आइए एक छोटा सा गाना और गाना भी कैसा भैया गौरव क्या लिखा आइए प्रसंग मेरा रामायण से चल रहा है तो आइए एक छोटा सा गाना रामायण से और भैया गौरव क्या लिखा मसा एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी पर खड़े हुए हैं और इधर में मां जानकी लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि लक्ष्मण हम अपना स्नान बनाने के लिए जा रहे हैं अगर कोई जीव जंतु पीछे से आए तो अपनी भाभी रक्षा करना आज राम चले जाते हैं और सामने जाकर के एक वृक्ष पर तोता का रूप बनाकर बैठ जाती है और लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण तू बड़ा अभागा है तेरे साथ इतनी सुंदर स्त्री है तू इसे लेकर यहां से चला जा। लक्ष्मण ने जब इतनी बात को सुना कह दिया ए तोता तूने बहुत बड़ी बात कह दी लेकिन शायद तू हमको जानता नहीं है कि हम किसके वंशज हैं और हम कौन हैं क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी अरे जो और झूठी बोले पानी बोले पानी और तेरे ना आंख में पानी तेरे नाए आँख में पानी सुनिए लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए कि मेरे बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरी परीक्षा कर रहे हैं आज वादे से सब तारी आज लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े हो गए और बेटा जवाब दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं बेटा गौरा अवधपुरी रप दशरथ के अवधपुरी रप दशरथ के
राम लखन दो सैयाए सिया राम प्याईए जो खास मेरे बड़े भैयाए मैं जो उनको सेवक हूँ तो उनके पूजू पैयाए पिता बराबर प्रात लगे तो सिया हमारी लक्ष्मण का क्रोध बढ़ता गया, क्रोध शांत नहीं हो रहा है और बेटा गौरव लक्ष्मण जी क्या जवाब दे रहे कैसे ख्याल खा रहा है। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और एक बात कह दी, क्या बात कह दी बेटा सुनिएगा क्या। राम सुन रहे सुनो ध्यान धर श्रोताए श्राप दे दियो लक्ष्मण ने फिर आगे क्या क्या ये श्राप दे दियो लक्ष्मण ने फिर आगे क्या क्या होता है। नारी लुढ़क गई जीवन टूट गई पेड़ से गिर गयो ये नारी लुढ़क गई जीवन टूट गई पेड़ से गिर गयो तोता है तो तामे देखे राम लखन फिर हिल की भर के रोता है।